खबर शूटी लाइव, आपकी खबर तेज असर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के प्रथम बार जनपद आगमन पर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ गर्मजोशी के साथ अपने जिला अध्यक्ष का बारिश में भीगते हुए जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से शुरू हुए कार्यक्रम में दक्षिण दरवाजा, अस्पताल चौराहा, रोडवेज चौराहा, महिला अस्पताल, गांधीनगर, कंपनी बाग, शास्त्री चौक, अटल चौक होते हुए पूरा हुजूम भाजपा कार्यालय पहुंचा। स्वागत के क्रम में भाजपा कार्यालय पर किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी, प्रेम सागर तिवारी, पवन कसौधन, राजेंद्र नाथ तिवारी, दया शंकर मिश्रा, सुशील सिंह, यशवंत सिंह, गजेंद्र सिंह, रवि सोनकर, ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार रामानंद उर्फ नन्हे ने संबोधन किया। जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि स्वागत सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि किसान मोर्चा किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, उन्हें हर योजना का लाभ मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए सदैव आगे बढ़कर कार्य करेंगे। उन्होंने समस्त नेतृत्व मंडल को किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार प्रकट किया। बताया कि जिले की टीम घोषित करने पर मंथन चल रहा है, एक सप्ताह के अंदर जिले के कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।